Okay, models. क्यों तो इसे मादा कुछ के इसके मुंह में मुट्ठी मारो मारो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर कुछ दल्ले और गांडुओं की कहानी सुनाएंगे जो वॉलंटियर समझते हैं खुद को कि हम वॉलंटियर हैं, हम भगवान से बड़े भाई, ईश्वर अल्लाह सब कुछ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। गांडुओं और दल्लों का अड्डा ओला प्रेजेंट करता है। हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाकी जो मर्जी हो। ऐसे ही कुछ इन गांडुओं की भैनचोद इस वीडियो के अंदर मैं डैश डैश करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। किस किस को इनकी मारनी है, जिसको भी मारनी है ना भाई, ओके टाइप करो, ठीक है। इनके नंबर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इन दल्लों के, ठीक है भाई। दल्लों की बस्ती में चार दल्ले तो ये हैं जिनकी आईडी मैं दिखा रहा हूँ। ये चार दल्ले हैं जो खुद को वॉलंटियर समझ रहे हैं और अपने आप को शेर खान की औलाद समझते हैं। भाई जो भी होगा हम वो ओला के अंदर करेंगे, हम ना चंद पैसों के लिए कुछ भी करेंगे भाई, कुछ भी कुछ भी, चाहे चंद पैसों के लिए आप हमारी वो भी मार सकते हो। अब मुद्दे पर आते हैं यार, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ओला के अंदर ना बकवास खिंडा के रखी है। वो क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि हम क्या भाई, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये हमारा भारत है ना, इसमें हम सारे रहते हैं भाई, जितने भी धर्म के लोग हैं, और सारे एकदम शांति से रहते हैं, ओके। और यहाँ पर क्या हो रहा है ओला के अंदर, अरे कुछ एक है जिनको धर्म की ना तो समझ है ना, वो मतलब उनको क्या बोले, एकदम घटिया किस्म के लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कुरान को बदनाम कर रहे हैं, भगवान के ऊपर चप्पल जूते बरसा रहे हैं, ठीक है। उनको वॉशरूम के अंदर ले जाकर उनके साथ जलील हरकतें कर रहे हैं, फोटो के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं पता है, ओला के अंदर मल्टी लाइव में आते हैं, गैदरिंग करते हैं और सब लोगों के सामने वो जलील हरकत करते हैं, ठीक है। और बाकी अभी बात आती है उन वॉलंटियर की, उन वॉलंटियर को पता है क्या काम दिया गया है, उन वॉलंटियर को काम दिया गया है कि भाई तुम लोग ना ऐसे ऐसे ब्रॉड पर जाओ, उनको बैन करो, ताकि हमारे जो इंडिया है ना, इसके अंदर लोगों के अंदर ये गलत फहमी, धर्म के नाम पर भड़काव, ये सब ना है। पर वो पता है क्या करते हैं वॉलंटियर, अरे वॉलंटियर चार पैसों के लिए किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं भाई, चार पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एक फ्रेंड है भाई अमन, इसने क्या किया इस चीज पर, एक वॉलंटियर जिसका नाम मैं मेंशन करूंगा नंदू, ठीक है, उससे भाई बोला कि भाई ये बोर चल रहा है, ठीक है। उसने उसको वीडियो भी दी क्लू के तौर पर, बोला कि भाई ये ब्रॉड चल रहा है, इसको बैन कर। तो बंदा क्या बोलता, भाई इस ब्रॉड पर जैसे ही मैं गया, मैं नॉकआउट हो गया, किक आउट हो गया, और इस पर कोई वायोलेशन हो ही नहीं रही भाई, वॉइस के अंदर कोई भी वायोलेशन नहीं हो रही, ठीक है। और इसे मैं किक, वो क्या है, ब्रॉड को बैन भी नहीं कर सकता, क्योंकि यार भाई यहाँ पर ना शो की गैदरिंग नहीं है। कुछ देर बाद क्या हुआ कि हमारे ये शख्स ने भाई, उसको गुस्सा आया इस बात पर, तो उसने क्या किया, अपने ब्रॉड पर जाके उसे डैश डैश उसकी करने लगा, उसकी सब कुछ हैक कर दी। तो वो बंदा उसके ब्रॉड पर गया भाई और जाके उसके ब्रॉड को बैन कर दिया। अब पता है गैदरिंग कितनी थी, 50। अरे भाई जब बंदे के खुद पर आई तो उसने 50 की गैदरिंग में अपना ब्रॉड है वो बैन कर दिया। और जब बात भगवान ईश्वर अल्लाह इनकी बेइज्जती की आती है, अपने देश की आती है, ठीक है, तो भाई उसको शो की गैदरिंग चाहिए, हद ना हो रही भाई। आपको क्या लगता है इनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए भाई, सामने आ जाए ना भाई, तो क्या बताऊं आपको क्या करने वाला हूं मैं, ठीक है। हाँ कुछ एक दल्ले इस वीडियो को देख रहे भाई, देख भी रहे होंगे भाई, देख रहे होंगे इस वीडियो को, देख के सर पीटेंगे भाई, और क्या कर सकते हैं बेचारे, बिना क्राइम किए कहां किसको सजा मिलती है, पहले करने तो दो से। ये है भाई दूसरा दल्ला, इसकी बातें हमने सुनी, ये बोल रहा है भाई जब क्राइम हो जाएगा ना तब हम एक्शन लेंगे, जब भाई किसी की किसी के साथ कर्मकांड हो जाएगा ना भाई, कोई किसी को गोली से उड़ा देगा, शूट कर देगा, या कुछ ऐसा वैसा कर देगा, भगवान को बेइज्जत कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे ना भाई, तब हम एक्शन लेंगे भाई। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। भाई इस वीडियो को बनाने का पीछे का मकसद ये है कि ऐसे लोगों को ना चप्पल जूते पहनाकर शहर के चारों ओर चक्कर कटवाएं, ठीक है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है यार, ये लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, जो चार पैसों के लिए अपने मुल्क को बेच देंगे, अपने देश को बेच देंगे। ऐसे लोग ना गद्दार की कैटेगरी में आते हैं भाई, आप लोगों को क्या लगता है।
कैसे लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए भाई, कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिए, रोस्टिंग राजा आपका इंतजार करेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा भाई कि अपन क्या होता है इंडिया के अंदर भाई, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सारे एक साथ मिल जोड़ कर रहते हैं भाई। और हम काफ़ी सालों से पिछले हमारे पूर्वज भी साथ रहते हुए आए हैं और हम भी साथ रहते हुए चलेंगे, पर कुछ एक लोग हैं यार जिनको ना ये बिल्कुल भी रास नहीं आता, वो लोग ऐसी घटिया हरकत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हटाने का एक ही मकसद है बस, ठीक है, इस वीडियो का पर्पज़ भी यही था कि ऐसे लोगों को हटाएं। और जो ओला के अंदर है ना भाई, ओला भी इंडिया के अंदर कुछ पैसे कमाने के लिए सारे गद्दार दल्ले बैठे हैं, कुछ एक लड़कियां भी हैं जो ये ओला को सपोर्ट करती है, चाइना के माल को सपोर्ट करती है, ठीक है। इन गांडुओं और दल्लों की आईडी ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ भाई, जा कर के ना उनको इतना खरी खोटी सुनाना, आईडी बैन हो जाए कोई परवाह नहीं है भाई, आईडी दूसरी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये साढ़े कर भी क्या सकते हैं भाई, आपकी आईडी बैन कर सकते हैं, ठीक है। उनको खूब खरी खोटी सुना के आना भाई, इतनी सुना के आना कि साले शर्म से मर जाए। ओला पर आने का ना इनका वो जमीरी जवाब दे जाए, बस ऐसा कुछ करके आना भाई, ठीक है। इस वीडियो का मकसद भी यही था। तो भाई अब रोस्टिंग राजा के जाने का टाइम हो गया भाई, और हाँ कल हमारे एक भाई की वीडियो और आ रही है भाई, उसको भी सपोर्ट करना, खूब सपोर्ट करना, और इस वीडियो को जितना हो ना भाई शेयर करना, बस ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। जो ओला पर जो गांडू भरे पड़े हैं ना, उन जैसा काम नहीं है ये भाई, एक अच्छा काम है अपने देश के लिए है, ठीक है। अपने देश के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो ना, तो एक काम ये भी कर लीजिए, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।